हेलो फ्रेंड्स, आरतीज पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि 2 मिनट रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें और आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, तो आज बनाते हैं ब्रेड पिज्ज़ा, जिसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइसेस और कुछ वेजिटेबल, जिसमें मैंने प्याज और टमाटर और थोड़े से कॉर्न और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, और मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च हम थोड़ी सी पिंच डालेंगे, और ग्रेटेड मैंने मोजरेला चीज़ लिया है, और साथ में थोड़ा सा बटर तवे के ऊपर डालने के लिए लिया है, और साथ में मैंने पिज्ज़ा सॉस और कुछ मैंने पिज्ज़ा मिक्स और चिली फ्लेक्स ली है। सबसे पहले हम प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और कॉर्न्स को मिक्स कर लेंगे, और इसके बीच हम थोड़ा सा नमक वगैरह डालेंगे। ये हम ब्रेड पिज्ज़ा के लिए टॉपिंग तैयार कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालेंगे, और इसके बीच में हम पिज्जा मिक्स भी डालेंगे थोड़ी सी। और चिली फ्लेक्स थोड़ी सी, ये आप कम ज्यादा डाल सकते हैं, अगर आप नहीं खाते तो इसको बिल्कुल भी मत डालें। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये अब हमारी टॉपिंग बिल्कुल रेडी है। ब्रेड पे अब हम पिज्जा सॉस लगा लेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर ले ब्रेड के चारों ओर। और इसके ऊपर हम टॉपिंग डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम अब चीज डालेंगे। ये अब हम मोज़रेला चीज़ डाल रहे हैं। अब हम इनको तवे के ऊपर रख देंगे। अब हमारा तवा गर्म हो गया है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे और थोड़ा सा बटर ग्रीस कर देंगे तवे के ऊपर, और ये ब्रेड स्लाइसेस हम तवे के ऊपर रख देंगे। इसको हम कवर कर देंगे, जब तक ये चीज मेल्ट नहीं होता इसको कवर करके पकाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए चीज बिल्कुल मेल्ट हो गया है। आप इसको चेक करते रहिए, जब तक चीज मेल्ट ना हो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाते रहिए। अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा मिक्स, जिसको हम सीजनिंग कहते हैं, वो डाल देंगे थोड़ी थोड़ी, और अगर आप चिली फ्लेक्स भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लेंगे। मैं तो चिली फ्लेक्स डालूंगी, अच्छी लगती हैं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये आपका ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, आप इसको सर्व करें और बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नीचे दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।